बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है? बच्चों, पहले तो आप जलवायु शब्द से वाकिफ होंगे। जलवायु क्या है? दीर्घकालीन दशाएं, मौसम जो क्षण में परिवर्तित होता है, या कम अवधि के लिए जो होता है उसको मौसम कहते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक चलता है। जैसे हम शुरू से जान रहे हैं कि हमारे देश में मानसूनी जलवायु है, तो ये दीर्घकाल तक जलवायु की जो दशाएं होती है, और इन्हीं दशाओं में जब बहुत लंबे समय के बाद कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे वृहत रूप धारण कर लेते हैं और इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये जो प्राकृतिक घटना है ये प्रारंभ से अभी तक होने वाले परिवर्तनों में, जो वर्तमान में हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, इसमें क्योंकि मानव सबसे बड़ा तत्व है जलवायु परिवर्तन को लाने में, इसलिए आज हमारे लिए यह विषय एक चर्चा का विषय है। वर्तमान में हम जलवायु परिवर्तन का आकलन जो कर रहे हैं, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग जो निरंतर हो रही है, और इसके पीछे मानवीय हस्तक्षेप सबसे बड़ा कारक है। बच्चों, ये जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं, ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो चुकी है। हम पृथ्वी के यदि इतिहास का अवलोकन करें, तो पृथ्वी जब उत्पन्न हुई और उसके बाद का जो समय है, इस समय को हम देखिए विभिन्न नामों से जान रहे हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक इरा या मध्यजीवी कल्प, और चौथा जो है ये सेनियोजोइक नवजीवी महाकल्प। ये पृथ्वी के प्रमुख युग है, और इन युगों में इनका अध्ययन हम कब से कर रहे हैं? ये जो युगों की हम चर्चा कर रहे हैं, आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक ही वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं। उसके पहले की स्थिति से वैज्ञानिक भी अनभिज्ञ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी तो पृथ्वी कैसी थी, ये जानना वास्तव में कठिन है। लेकिन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो ये माना जाता है कि जैसे प्री कैम्ब्रियन ये युग, यानी आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति, जिससे जहाँ तक वैज्ञानिक नहीं पहुँच पाए हैं, और उसके बाद जो युग आता है जिसे हम पैलियोजोइक कहते हैं, आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व से ये अध्ययन प्रारंभ हुआ है। और ये अवधि में पृथ्वी जब गर्म थी, तो उन युगों को आर्डोविसियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन और सिलूरियन, ये तीन युग ऐसे थे जो कि लगभग 35 करोड़ वर्ष की अवधि तक ये युग संपन्न हुए थे। और इस युग में लगभग पृथ्वी बहुत गर्म थी। उसके बाद पृथ्वी में क्रमशः धीरे धीरे उसकी गर्मी कम हुई, और गर्मी के कम होने से, जैसे सिलूरियन युग में तो समुद्र बन गए थे और समुद्र में मछली जैसे जीवों का विकास हो गया था, लेकिन स्थल में तब तक जीवों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था क्योंकि स्थल भाग बहुत गर्म थे। सिलूरियन युग के बाद जो
कार्बनीफरस युग है, इसमें पृथ्वी बहुत ठंडी तो नहीं हुई थी, लेकिन जलवायु में उष्णता और आर्द्रता आ गई थी और उसके कारण वृहत क्षेत्र में वनों का विकास और कुछ जीव जंतुओं का भी विकास हुआ था। और उसी के फलस्वरूप आज हम जो कोयला की बात करते हैं या पेट्रोलियम पदार्थ की बात करते हैं, तो ये उसी युग की देन है, कार्बनीफरस युग की देन, कि उस समय पहले पृथ्वी में आर्द्र वातावरण था, गर्मी भी थी और आर्द्रता भी थी, लेकिन कालांतर में युग परिवर्तन हुआ। हो सकता है बहुत से ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे और ये पूरे के पूरे वन जीव जंतु थे ये लावा के नीचे दब गए हों। दबाव के कारण जो वनस्पति थी या जो जीवाश्म थे ये ऊर्जा संसाधनों के रूप में परिणित हो गए और आज हमें ये ऊर्जा के रूप में मिल रहे हैं। कितने साल लगते हैं इन सबको बनने में, तो वह भी जलवायु परिवर्तन का सूचक था। आर्द्र और उष्ण जलवायु थी जो वनों का विकास हुआ, उसके बाद संभवतः पृथ्वी में कुछ उथल पुथल मची होगी, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, सागर जल का विस्तार हुआ होगा और पूरी की पूरी वनस्पति दब गई, यानी ये भी जलवायु परिवर्तन का सूचक है। इसके बाद जो मध्यजीवी महाकल्प जीवों का विकास हुआ, उसके बाद हम और आगे आते हैं तो जो सेनियोजोइक एरा है, नूतन महाकल्प है, तो इस नूतन कल्प में भी नूतन कल्प का जो अंतिम स्थिति थी, यानी हम यदि बात करें आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व नूतन कल्प प्रारंभ हुआ, लेकिन आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व की जो स्थिति थी ये है प्लिस्टोसिन युग की। और बच्चों प्लिस्टोसिन हिमयुग का के बारे में आपने पढ़ा है कि ये जो प्लिस्टोसिन हिमयुग के समय ही जो उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा का अलास्का का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक बर्फ जम गई थी। और जो उत्तर अमेरिका में 5 बड़ी झील है कनाडा में, ये 5 झील इसी हिमयुग की देन मानी जाती है। तो प्लिस्टोसिन हिमयुग लगभग 20 लाख वर्ष तक रहा है और इस 20 लाख वर्ष में हिम के जमाव के कारण पूरी जलवायु जो है ये विषम हो गई थी। इसके बाद का जो युग है इसको हम होलोसिन युग कहते हैं। होलोसिन में हिम की चट्टाने टूटने लगी थी और हिम का पिघलना बढ़ गया था, उसके कारण सागर तल में परिवर्तन आया था, सागर का विस्तार हो गया था और जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी थी। इसी युग में मरुस्थलों का भी निर्माण हुआ। तो एक तरफ हिम की बात कर रहे हैं और फिर बाद में मरुस्थल विकसित हुए। तो ये हम अपने इतिहास को देखें तो इतिहास में हम ये बताना चाह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन जो है ये अभी का नहीं है, बल्कि प्रारंभ से ही, यह पृथ्वी की उत्पत्ति से ही जलवायु परिवर्तन समय समय पर होता रहा है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। हम यदि अपने कुछ पहले चले जाए, अपने इतिहास को यदि हम देखते हैं, तो 90 की दशक में बहुत चरम स्थिति में मौसमी दशाएं घटित हुई थी और इसमें जलवायु में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति देखने को मिली थी। भीषण सूखा पड़ा था, फिर अत्यधिक आर्द्रता आ गई थी, तो ऐसी विभिन्न जो दशाएं हैं ये देखने को मिली थी। इसी प्रकार से सन 1967 से 77 के दशक में सहारा के पास में भयंकर सूखा पड़ा था। सहारा वैसे ही मरुस्थल है, लेकिन इतना अधिक सूखा पड़ा था कि उस क्षेत्र में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो ये शुष्कता, वैसे मरुस्थलों में कभी कभी
बारिश हो जाती, लेकिन उस दशक में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, भयंकर सूखा पड़ा था। इसी प्रकार से 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है, ये मैदानी भाग में भी सूखा पड़ा था और इस इतनी धूल चलती थी कि इसको धूल का कटोरा कहा गया था। यूरोप में भी हमें समय समय पर जलवायु परिवर्तन के अनेक सूचकांक देखने को मिलते हैं। जैसे यूरोप में कभी उष्ण जलवायु रही, कभी आर्द्र, कभी शीतल जलवायु रही तो कभी शुष्कता बढ़ गई। तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की यदि हम बात करें तो हमारा इतिहास प्राचीन है। 11वीं सदी में वाइकिंग कबीले के जो लोग हैं, ये ग्रीनलैंड में जाकर के बस गए थे। ये भी जलवायु के कारण ही संभवतया वहाँ जाकर के बसे होंगे। इसी प्रकार से सन 1550 से 1850 तक लगभग 300 वर्ष का जो पीरियड है, इसे लघु हिमकाल कहा जाता है। ये जो लघु हिमकाल, यानी इस समय तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई थी। 1835 से 1940 में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और यह वृद्धि अब वर्तमान तक जारी है। तो ये सब क्या है, जलवायु कैसे परिवर्तित हो रही है, इसके कुछ साक्ष्य जो है ये हमारे सामने में है। वास्तव में ये जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, यदि हम इनके कारणों को देखना चाहे तो बहुत से कारण हमारे सामने में आते हैं। ये जैसा मैंने अभी बताया था कि मानवीय कारण तो है ही, मानवों का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण भी इसके अंतर्गत समाहित है। इन प्राकृतिक कारणों की तरफ यदि हम देखें तो सबसे पहला जो है ये है सौर्य कलंक। सूर्य में जो छोटे छोटे काले धब्बे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूर्य में कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। इसी को, इन्हीं धब्बों को हम सौर्य कलंक कहते हैं, सन स्पॉट्स कहते हैं। ये धब्बों का तापमान के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब ये धब्बे बढ़ते हैं तो तापमान घटता है, और ये धब्बे जब कम होते हैं तो तापमान बढ़ता है। ये जो सौर्य धब्बों में जो परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें 11 वर्ष, 22 वर्ष, 33 वर्ष या 44 वर्ष का जो एक चक्र है, इन चक्रों में धब्बों में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 11 वर्ष का चक्र जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो गया है और सूर्य में अधिक धब्बे देखने को मिल रहे हैं। सन 1645 के लगभग और यहाँ से 1715 तक की स्थिति में जो सूर्य के धब्बे हैं ये कम हो गए थे, इनकी स्थितियाँ कम हो गई थी, और इस काल में काफ़ी ठंडा पड़ा था जिसको माउंटर मिनिमम या माउंटर न्यूनतम का पीरियड कहते हैं। और इस समय सूर्य की धब्बों के कारण पृथ्वी का जो तापमान है 0.5% या हम कह सकते हैं कि 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये कम हो गया था। और इस प्रकार से इस समय एक लघु हिमयुग का पीरियड आ गया था। इसी प्रकार से सन 1100 से सन 1250 के बीच में सूर्य में
जो धब्बे हैं इनके कारण से यह कलंक बहुत अधिक हो गया था, और अधिक कलंक होने से ये जो जलवायु है इसमें भी परिवर्तन आया था। और ये जो जलवायु है ये उस समय अत्यधिक गर्म हो गई थी, तो ये सूर्य के धब्बों के साथ जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थिति है इसे हम महसूस करते हैं। दूसरी जो बात है ये है, पृथ्वी जो अपने कक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक ऑर्बिट, एक कक्ष है, और इसको हम कहते हैं सूर्य की परिक्रमण गति। सूर्य की जो परिक्रमण गति है तो ये जो कक्ष बना हुआ है ये अंडाकार है। अंडाकार शब्द समझते हो ना बेटा? देखिए अंडाकार बीच से चौड़ा और दोनों तरफ थोड़ा सा संकरा है, ये गोलाकार नहीं है, गोलाकार से कुछ कम है। तो इस ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये जो ऑर्बिट या ये जो कक्ष है इस कक्ष में भी कभी कभी परिवर्तन आ जाता है, और पृथ्वी में ये जो कक्ष में परिवर्तन है इस परिवर्तन के कारण सूर्य की दूरी घटती या बढ़ती रहती है। जब ये कक्ष थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो सूर्य की दूरी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, कक्ष का विस्तार होता है तो सूर्य की दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार से जब सूर्य की दूरी कम हो जाती है तो इसको अपसौर्यिक कहते हैं। अपसौर्यिक में सूर्य की जो दूरी है ये लगभग 15.12 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से होती है, और यही कक्ष जब बढ़ जाता है तो सूर्य की दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको उपसौर्यिक कहते हैं। अप में दूरी बढ़ती है और उप में दूरी घट जाती है। उप में सूर्य की दूरी लगभग 14.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी में सूर्य आता है। तो इस प्रकार से जब अपसौर्यिक और उपसौर्यिक की स्थिति होती है तो कभी पृथ्वी में गर्मी अधिक आ जाती है जब उपसौर्यिक होता है, और जब अपसौर्यिक की स्थिति होती तो पृथ्वी में ठंडकता आने लगती है। तो यह भी, ये यद्यपि बिल्कुल प्राकृतिक कारक है और इसका संबंध सूर्य और पृथ्वी से ब्रह्मांडीय कारक हम इसको कह सकते हैं, प्रत्यक्ष है, लेकिन ये भी जलवायु परिवर्तन का सूचक है। इसी प्रकार से पृथ्वी की जो अंतर तालक तारक धूल परिकल्पना जो है, इस परिकल्पना में पृथ्वी के चारों तरफ जो फैले हुए धूल के कण हैं ये कण जब पृथ्वी से आकर मिलते तो पृथ्वी का विस्तार हुआ, ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में माना गया है। लेकिन इस प्रकार से जब धूल का गुब्बारा पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाता है और मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली किरणों के बीच में यह धूल जब आ जाती है तो इसके कारण भी तापमान पृथ्वी में कम होने लगता है। तो ये भी तापमान के कम होने या जलवायु परिवर्तन को इंगित करता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है या इसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं, ये परिभ्रमण गति में हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष पे झुकी है। पृथ्वी की एक किली है, एक अक्ष है, और इसका अक्ष में पृथ्वी झुकी हुई है। वर्तमान में इसका झुकाव कितना है बच्चों? आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 अंश झुकी हुई है। लेकिन पृथ्वी में ये जो अक्षीय झुकाव है इस झुकाव में भी परिवर्तन आता है।
लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच में इसके अक्षीय झुकाव में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, 1 डिग्री या उससे भी कम ये पूर्व या पश्चिम की ओर सरकती रहती है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो पृथ्वी का जो औसत झुकाव है, ये औसत झुकाव लगभग 21 डिग्री 1 मिनट का है। लेकिन पृथ्वी अभी ज़्यादा झुक गई है, 23.5 इंच झुकी है। तो कभी पृथ्वी में जो झुकाव का आकलन किया, ये लगभग 24.4 मिनट का आकलन किया गया है, जबकि कभी पृथ्वी में जो झुकाव है ये लगभग 21.8 मिनट यानी 21 डिग्री 8 मिनट का झुकाव महसूस किया गया है। ये पिछले 5000 वर्ष की स्थिति में झुकाव का अनुमान लगाया गया है। तो पृथ्वी के झुकाव से न केवल दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है, बल्कि ध्रुवों में जो लंबी रातें होती है ये इसी झुकाव की परिणति है। यदि पृथ्वी का झुकाव कम हो जाए या पृथ्वी यदि सीधी हो जाएगी तो क्या होगा? पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, या पृथ्वी जरा ज़्यादा झुक जाए, पर यह संभव नहीं है। लेकिन ये जो पृथ्वी का जो अक्षीय परिवर्तन बहुत थोड़ा सा भी हो रहा है, तो इस अक्षीय परिवर्तन से दिन और रात की अवधि में परिवर्तन आता है। और दिन और रात की अवधि में परिवर्तन आने से भी जलवायु में कुछ परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन के लिए ये प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा वायुमंडल में भी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। ये वायुमंडलीय परिवर्तन, जैसे अभी आप जान रहे बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, और उसका परिणाम भी हम कहते हैं कि ओजोन की लेयर में छिद्र हो रहा है। ओजोन क्या है? विकिरण, सौरिक विकिरण जो होता है, तो इससे वह हमारी रक्षा करती है। और इसी में यदि छिद्र आ गया तो विकिरण सही नहीं होगा और तापमान बढ़ने लगता है। तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन हुआ। इसके अलावा पृथ्वी में निरंतर ज्वालामुखी के विस्फोट हो रहे हैं। ज्वालामुखी से पृथ्वी के भीतर की बहुत अधिक ऊष्मा बाहर आती है और ये पूरे वातावरण में छा जाती है, इससे भी गर्मी बढ़ रही है। इसके अलावा महाद्वीप और महासागरों की स्थिति में जो परिवर्तन आए हैं समयानुसार, ये भी जलवायु परिवर्तन के सूचक हैं। और आज भी जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जलवायु की पेटी स्थिर है, लेकिन महाद्वीप और महासागर यदि अपने स्थान से किसी भी तरफ सरकते हैं तो जलवायु की पेटी बदलती है। तो ये कुछ कारण हम कह सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के लिए अपना सहयोग देते हैं, या ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो जलवायु परिवर्तन में सहभागी हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत स्पष्ट भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रही है।